मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। उल्लासनगर में एक साथ सात दुकानों पर क्राइम ब्रांच और कॉपीराइट विभाग का छापा पड़ा है और करीब 7.5 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। उल्लासनगर शहर में पवई चौक परिसर में एक साथ सात दुकानों में कॉपीराइट विभाग थाने क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और पवई के कई दुकानों में बड़े बड़े कंपनियों के नकली लोगो लगाकर बैग बनाए जा रहे थे, जिसकी जानकारी कॉपीराइट विभाग और थाने क्राइम ब्रांच को लग गई थी, जिसके बाद उन्होंने एक ही दिन में 7 दुकानों पर कार्रवाई की, जिसमें 5000 करीब बैग जब्त किए गए हैं, जिसकी कीमत करीब 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है। एमके कुमार ट्रेडर्स, एके बैग्स, रॉयल बैग्स व 4 दुकानों पर दोपहर करीब 2 बजे से लेकर देर रात 10 बजे तक यह कार्रवाई चल रही थी, जिससे आसपास के व्यापारियों में हड़कंप मच गई थी। उल्लासनगर शहर में कॉपीराइट विभाग और थाने क्राइम ब्रांच की टीम की कार्रवाई से शहर में बड़े बड़े कंपनियों के लोगो लगाकर माल बेचने वाले व्यापारियों में हड़कंप मच गई थी कि कहीं अगली कार्रवाई उनके दुकान पर ना हो जाए। उल्लासनगर शहर में ब्रांडेड कंपनी का सामान लेने से पहले एक बार उसकी जांच पड़ताल जरूर कर लें कि कहीं आप भी ब्रांडेड सामान की जगह नकली सामान नहीं खरीद लें। आइए देखते हैं कि इस विषय पर क्या कहा है क्राइम ब्रांच टीम ने। उल्लासनगर मध्ये प्युमा आणि स्कायबॅग ह्या ब्रँडचे डुप्लिकेट सॅक बॅग विकल्या जातात अशी इन्फॉर्मेशन होती। त्या संदर्भात कॉपीराइट अधिकाऱ्यांनी तक्रार दिली होती आणि त्यावरून कारवाई करण्याचे आदेश झाले होते। त्याप्रमाणे उल्लासनगर 3 इथे आता आम्ही आलेलो आहोत आणि तिथे जी कारवाई झालेली आहे, एकूण 6 दुकानांमध्ये आम्हाला सुमारे 7 लाख 7.5 लाखाचा माल मिळालेला आहे आणि त्याच्यामध्ये डुप्लिकेट प्युमा आणि स्कायबॅग या कंपन्यांचा बॅग आणि लोगो मिळून आलेले आहेत। सदर दुकानांचा सदर माल ताब्यात घेतलेला आहे आणि त्याच्यावर दुकानदारांवर कारवाई करीत आहोत। ही गुन्हे शाखा ठाणे, मध्यवर्ती गुन्हे कक्ष, गुन्हे शाखा ठाणे। माझं नाव सिनेरप्या साळवी।